हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। गणेश चतुर्थी के लिए आज हम गणपति बप्पा के लिए उनके फेवरेट कलाकंद के मोदक बनाएंगे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम फ्रेश पनीर ले लें। यहाँ पर मैंने होलिकाओ पनीर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही फ्रेश और टेस्टी होता है। अब इसे अच्छे से ग्रेट कर लें। अब एक नॉनस्टिक पैन या फिर थिक बॉटम पैन में एक टेबलस्पून देसी घी डालें। यहाँ पर मैंने होलिकाओ देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी होती है। अब इसमें ग्रेटेड पनीर डालें और 300 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क डालें। इस कंडेंस्ड मिल्क बॉक्स में से मैंने 3/4 पार्ट ले लिया था और 1/4 पार्ट छोड़ दिया था, जो लगभग 300 ग्राम है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब गैस का फ्लेम ऑन करके इसे लो फ्लेम पर कर दें। इसे लगातार चलाते रहें। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दें, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे अच्छे से ठंडा होने दें। अब मोदक के मोल्ड्स ले लें और इन्हें देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। अब मोल्ड के अंदर थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता डालें। अब उसके ऊपर से मिक्सचर को भर दें। इसे अच्छे से दबा दबा के इस तरह से भर दें। अब मोल्ड को खोलें। लीजिए, डिलीशियस कलाकंद मोदक तैयार हैं। इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें और बाकी बचे हुए मोदक भी इसी तरह से बना लें। है ना कितने आसान। देखिए कितने दानेदार और टेस्टी कलाकंद मोदक बने हैं। पप्पा को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस गणेश चतुर्थी में कलाकंद के मोदक बनाएं और गणपति पप्पा को इसका भोग लगाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।